Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Buzz, and I hope you all must be doing really well. और आज के मेरे इस वीडियो में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की वीडियो है, हम लोग बात करने वाले करंट इफेक्ट ऑफ COVID-19 ऑन होटल इंडस्ट्री। तो गाइस, होटल इंडस्ट्री ने बोल के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोलूंगा, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, ठीक है, सबको पता है कि इस टाइम पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, पहली बात तो सारी की सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, गिनी चुनी कुछ मेडिकल जैसी इंडस्ट्रीज को छोड़ के, वो बहुत ज्यादा लॉस में चल रही है और काफी ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे इंडस्ट्री में। तो उनमें से ही एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ऑफकोर्स जो कि अभी लॉस में चल रही है, जो कि अभी अपनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। और क्योंकि मेरे चैनल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप लोग एनसीएम सिटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में अभी, तो ये मेरा फर्ज बनता है या फिर मुझे आपको बताना जरूरी है कि करंट इफेक्ट क्या चल रहा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, कोविड मतलब कोविड का क्या इफेक्ट चल रहा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे, और हमारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है। अभी का ये जो सिनेरियो चल रहा है, इसके बेस पे हम लोग फ्यूचर के क्या प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, आप पूरी वीडियो देखना, मैंने बहुत एनालाइज करा है इस चीज को, पिछले साल जो कोविड हुआ था तब से लेके अब तक, यानी कि एक साल के इस गैप में मैंने एनालाइज करा है एक चीज को, और उस चीज के बेस पे मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, और मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ये जो मेरा प्रेडिक्शन है उस प्रेडिक्शन का मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, जिसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फ्यूचर में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का क्या होगा आने वाले एक साल डेढ़ साल में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ग्राफ जो है, ठीक है, जो कि उसके डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, उसकी इनकम होती है, उसका रेवेन्यू होता है, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जॉब्स जो है वो ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी, इस सब चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मेरे चैनल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से मतलब पूरा उसी के ऊपर है मेरा चैनल हॉस्पिटैलिटी बस, तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। स्टार्ट करते हैं मेरे आज की इस वीडियो को। सो गाइस, सिंपली सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि अभी करंटली जो सिचुएशन है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, वो कैसे चल रही है, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हमारे बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ मेजर सेक्टर्स के बारे में। हमारे होटल्स आते हैं, हमारी रिटेल्स आती है, हमारी QSRs आते हैं, हमारी एयरलाइंस आती है, हमारी क्रूज आती है, हमारी रेलवे आती है, ये हमारे मेन सेक्टर्स हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के। होटल भी अपनी अच्छी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये चीज ट्रूथ है। तो ये अभी की बात मैं बता रहा हूँ, आज की, यानी कि जो अभी मई चल रहा है, ठीक है, फरवरी में होटल काफी अच्छी कंडीशन में था, ठीक है, और इस चीज का मैं आपको प्रूफ दूंगा कि होटल काफी अच्छी कंडीशन में जनवरी और फरवरी में क्यों था, बट अभी की बात करें मई में तो होटल अच्छी कंडीशन में नहीं है। रिटेल्स की बात करें तो ऑफकोर्स रिटेल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है, हल्का फुल्का अगर मैं बोलूंगा तो रिटेल और QSR फिर भी संभले हुए हैं, अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत चला रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिन्हें की मिडिल क्लास इंसान जो है वो काफी आसानी से कैश कर लेता है। जब हम होटल की बात करते हैं तो होटल से मेरा मतलब होता है 5-star होटल, 4-star होटल, हम लोग 1, 2, या 3-star होटल की बात नहीं करते, क्योंकि हम लोग उसके लिए होटल मैनेजमेंट नहीं करते, तो उनका बिजनेस चल रहा होगा बट हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग 5 या 4 star होटल के बने हैं। बात करें अगर जॉब्स की तो आज की डेट में मई में, ठीक है, अभी करंटली होटल इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं है, ठीक है। गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि अगर मैं बोल रहा हूँ होटल इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं है तो इसका मतलब कि होटल इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है, इसमें जॉब्स नहीं है, बट पूरे इंडिया की गिनी चुनी ही कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जैसे कि मेडिसिन की इंडस्ट्री है उसमें अभी जॉब्स, मेडिकल में ऑफकोर्स जॉब्स हैं, ठीक है, मीडिया एक ऐसा करियर है जिसमें अभी जॉब्स की इतनी वो नहीं है, उनका तो अपना चल रहा है अच्छे से, तो गिनी चुनी कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें कि अभी जॉब्स की कमी नहीं है, वरना ऑलमोस्ट बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जॉब्स की कमी है, ठीक है। तो उनमें से होटल इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री में अभी जॉब की कमी चल रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक पॉइंट आ जाता है कि गवर्नमेंट कितनी हेल्प करती है नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा इस चीज को लेकर ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा होटल इंडस्ट्री की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से होटल इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसे हेल्प नहीं मिल रही है, और ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं मिल रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे गवर्नमेंट की तरफ से कैसे हेल्प मिल सकती है, दो तरीके से हेल्प मिल सकती है। पहली हेल्प तो ये होती है कि गवर्नमेंट जो लोन देती है, ठीक है, या तो वो लोन ज्यादा दे और कम रेट पे दे, ठीक है, लोन का वो रेट कम कर दे जिस रेट पे होटल्स वगैरह लोन लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस टाइम पे लोन की जरूरत है। दूसरी चीज, जो होटल्स वगैरह जो टैक्सेस देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टैक्सेस, वाटर का टैक्सेस, आपको पता है होटल्स में जो 5-star बड़े बड़े होटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और अलग अलग तरीके के मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, कितनी नीड होती है। अब ये सब चीजों के ऊपर ना टैक्स बहुत लगाती है गवर्नमेंट, तो उन टैक्सेस को रिडक्शन करना चाहिए, टैक्सेस कम करना चाहिए। इन कुछ चीजों को करने के बाद गवर्नमेंट कम कर सकती है, बट गवर्नमेंट को ऐसा पता नहीं क्यों वो इग्नोर कर रही है, या फिर इंडिया में थोड़ा ऐसा होता है ना कि जो चीज सोशल मीडिया पर ज्यादा पॉपुलर होती है गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है, तो होटल इंडस्ट्री के ऊपर भी इतना फोकस नहीं कर रही। बट मेन अगर ओवरऑल बताया जाए तो यही है कि होटल इंडस्ट्री अभी डाउन चल रही है, लेस जॉब्स है, और गवर्नमेंट भी इग्नोर कर रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या यही ट्रेंड फ्यूचर में फॉलो होने वाला है, क्या यही होटल इंडस्ट्री का भविष्य, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का भविष्य है कि हमें लेस जॉब्स देखने को मिलेंगी कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देगी। तो नहीं गाइस, मेरा आंसर है नो, और इस चीज का मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ।
हम लोग चलते हैं एक साल पहले और हम लोग चलते हैं मार्च में हमारा लॉकडाउन लग गया था, मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक आई थिंक जो है लॉकडाउन रहा था, किसी किसी स्टेट में पहले खुल रहा था, कहीं कहीं बाद में खुल रहा था। जुलाई अगस्त तक में लास्ट में जाके सारे लॉकडाउन खुल चुके थे देश में। ठीक है, मैं आपको बता दूं गाइस कि अगस्त अक्टूबर से, अक्टूबर के आसपास से होटल्स वगैरह जो जो मतलब वैसे कुछ कुछ होटल्स तो खुले ही हुए थे, ऑफकोर्स जो कोविड सेंटर्स बन गए थे या फिर जो कुछ अलग तरीके से खुले हुए थे, बाकी सारे भी होटल्स कुछ भी करके अगस्त अक्टूबर तक तो ऑलमोस्ट खुल ही गए थे, और नवंबर तक जाए तो ऑलमोस्ट मोस्टली सारे होटल्स खुल गए थे नवंबर तक। अब वो ये था कि जब इतने होटल्स खुल गए थे तो उन लोगों ने अपने पहले सबसे पहले तो क्या करा, उन्होंने अपने पुराने एम्प्लॉयज को वापस बुलाया। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये सच बात है कि एम्प्लॉयज को निकाला गया था। अगर आपने कहीं से सुना है कि होटल ने अपने एम्प्लॉयज निकाले हैं तो ये सच बात है, और मैं आपको सिर्फ बताते हूं सिर्फ होटल ने अपने एम्प्लॉयज नहीं निकाले हैं, जितने भी सारे प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, जिनका लॉस हुआ है, हर एक कंपनी ने, प्राइवेट सेक्टर है गाइस ये, ठीक है, ये गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर इसी तरीके से काम करता है। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की कमी थी तो ऑफकोर्स निकाला गया था, फिर उन सबको वापस बुला लिया गया था, पॉइंट नंबर वन। अब उन्हें वापस बुलाने के बाद अब क्या चीज थी, अब जिन्हें ऑलरेडी हायर कर रखा था, जो कॉलेज की कैंपस प्लेसमेंट्स थी, अब उन्हें बुलाने की बारी थी। तो उन्हें बुलाने की बारी जब आई तो ये दिसंबर जनवरी, आप ये मान के चलो जो एमटीज वगैरह गिने चुने एमटी थे उन्हें भी जनवरी तक बुला लिया था, दिसंबर जनवरी तक, और बाकी रिटेल्स हो गई, क्यूएसआर हो गई, और होटल्स में भी मैं बोलूंगा होटल्स में थोड़ा 50-50 का रेशो था, 50% ने बुलाया, 50% ने नहीं बुलाया कैंपस प्लेसमेंट वालों को, वरना कैंसिल कर दिया था। तो वो सब लोगों को भी उन्होंने दिसंबर जनवरी तक बुला लिया था। इस फरवरी और मार्च मैं आपको बता रहा हूँ ये था पीक टाइम, ये पीक टाइम था जब होटल इंडस्ट्री मैं बोलूंगा बिल्कुल उस चीज से उभर कर एक ढंग के लेवल पे आ गई थी, और होटल इंडस्ट्री में जॉब्स निकल रही थी। और इस चीज का प्रूफ आपको कौन देगा, इस चीज का प्रूफ आप खुद अपने आप को दीजिए, क्योंकि आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरी रेगुलर स्टोरीज देखते हैं गाइस, प्लीज कमेंट करके, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट करके आप दूसरे लोगों को बताओ कि आपको भी पता है कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे कितनी सारी जॉब वैकेंसीज डालता था। तो गाइस ऐसा होता था कि मैं, और मैं तो 99% क्या होता था कि मैं सिर्फ 5-star होटल की जॉब शेयर करता था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग सबसे बड़ा प्रूफ हो, आप लोग कमेंट करो, दूसरों को बताओ, आप कमेंट करोगे अच्छी बात है, बाकी मैं यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी भी स्टोरी शेयर कर देता हूँ गाइस। ये देखिए, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम के आर्काइव सेक्शन में से निकाली है, ये मेरी टीम जो है वो जो है मतलब जॉब एजेंसी शेयर करते थे, तो इतनी सारी जॉब वैकेंसी निकली थी, और वो भी 5-star होटल्स की। ठीक है, 99% इसमें सारे 5-star होटल्स हैं। तो ये सारी जॉब वैकेंसी शेयर होती थी मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर। अब आप लोग सोचिए कि ये सारी की सारी जॉब वैकेंसी, और एक चीज मैं आपको बता दूंगा इसकी, इसमें ऐसा नहीं होता था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फोटो है, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट है, तो उस स्क्रीनशॉट में 3-4 पोस्ट के लिए जॉब वैकेंसी होती थी, तो उसमें सुपरवाइजर हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है, ड्यूटी मैनेजर हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ सुपरवाइजर और ड्यूटी मैनेजर हो, एक ना एक जॉब पोजीशन ऐसी होगी जो कि एंट्री लेवल के लिए होगी, जो कि स्टार्टिंग के लिए होगी, जिसके लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मेरी जॉब वैकेंसी जो मैं शेयर करता था या मेरी टीम शेयर करती थी इंस्टाग्राम पे, वो सारी की सारी फ्रेशर्स के लिए होती थी। फ्रेशर्स जो है वो फ्रेशर्स के लिए जॉब वैकेंसी बनाई गई थी ताकि फ्रेशर्स लोग उसमें अप्लाई कर सके। तो आप लोग खुद सोचिए, आप इस ग्राफ को देखिए, पहले जो होटल इंडस्ट्री थी, जिन एम्प्लॉयज को निकाला पहले उन्हें बुलाया, उसके बाद उन लोगों ने क्या करा, जो हायर थे स्टूडेंट ऑलरेडी उन्हें बुलाया, फिर उसके बाद और की नीड पड़ी तो फिर वैकेंसी निकाली और उसमें फ्रेशर्स लोग भी जा रहे थे। और बिल्कुल ये सच बात है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा था, और जहां पे एक फ्रेशर जाता था और जहां पे एक एक्सपीरियंस वाला जाता था, एक्सपीरियंस वाले को लेते थे, लेकिन बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था जब फ्रेशर्स को भी जॉब मिली थी, उस चीज को हम नहीं टुकरा सकते। बिल्कुल एक टाइम ऐसा आया था, और ये टाइम था फरवरी मार्च के आसपास, ठीक है, दिसंबर जनवरी तक फ्रेशर्स को नहीं मिली थी जॉब, लेकिन एक टाइम बीच में ऐसा भी आया था, लेकिन ऑफकोर्स उसके बाद से फिर सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि अब ये सिचुएशन आ गई है। अब अगेन सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे जो मेन है कि क्या ये इंडस्ट्री फ्यूचर में ऐसे रहने वाली, तो आंसर है नहीं गाइस। आप लोग खुद सोचिए, जो इंडस्ट्री एकदम इतनी तेजी से नीचे गई थी, इसका जो कर्व जाता है वो वी कर्व की तरह गया, जो इसका मतलब एक हम स्लोप की बात कर रहे हैं, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, तो वो ऐसे गया और फिर यूं करके ऊपर बड़ा भी था कर्व इसका, मतलब कि इंडस्ट्री बड़ी भी थी, लेकिन फिर दोबारा पेंडेमिक हो गया। तो ऑफकोर्स अगर सारी इंडस्ट्री, जैसे अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर बिटकॉइन के प्राइस गिरते हैं तो बाकी ऑल्टकॉइंस के प्राइस भी गिरते हैं, तो उसी तरीके से था कि अगर पूरी इंडस्ट्री इंडिया में गिर रही है तो ऑफकोर्स जो ये हमारी होटल इंडस्ट्री है ये भी गिरेगी। तो ऑफकोर्स इसके ऊपर भी असर आया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अगर हम लोग पिछले साल वाले सिनेरियो को हम लोग नजर मारे, तो जिस तेजी से इंडस्ट्री बढ़ी है और उसमें जॉब्स निकले हैं, मेरे जो बाकी मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह दूसरे प्रोफेशन के, वो भी कहते थे इतनी जॉब्स कैसे निकल रही है होटल इंडस्ट्री में, इतनी जल्दी इतनी सारी जॉब्स आने लग गई है, तो मैं कहता था कि मैं खुद सरप्राइज हूँ, बट इसमें कुछ भी फेक नहीं है और जॉब्स निकल रही है।
रेप्यूटेड कंपनी में जॉब्स निकल रही है, ऐसे नहीं कि आलतू फालतू रेप्यूटेड कंपनी में जॉब्स निकल रही है। तो हम लोग बिल्कुल ये चीज कह सकते हैं कि अगर इस साल के जुलाई तक ठीक है कोरोना खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तक कम हो जाएगा। और इसका एक और सबसे बड़ा प्रूफ है गाइस वैक्सीनेशन। पिछले साल हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं था, इस बार हमारे पास वैक्सीनेशन है। जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगेगा उतने ज्यादा चांसेस कम होते जाएंगे, और वैक्सीनेशन लग रहा है बढ़ते जा रहा है तो चांसेस कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब कि चांसेस जो कि कोरोना के फैलने के हैं वो कम हो रहे हैं, और अगर ये चांस कम होंगे तो ऑफकोर्स होटल इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, होटल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। और होटल इंडस्ट्री तो ऐसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो ऐसी इंडस्ट्री है कि रिटेल QSR होटल्स और बाकी और भी जो चीजें हैं लोग कनेक्टेड है अपने डे टू डे लाइफ में इन चीजों से, तो लोग इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों का। तो ये इंडस्ट्री आगे जाके ग्रो होगी, और अगर इस साल के जुलाई अगस्त तक भी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो 2022 तक ठीक है 2022 के स्टार्टिंग के बाद से यानी कि 2022 के फरवरी मार्च से सारी सिचुएशन मुझे लगता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल इस साल ही हो जाएगी, इस साल के एंड तक ही नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन तब तक और अच्छी नॉर्मल हो जाएगी। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 2022 के आप ये मान के चलिए अगस्त सितंबर तक हो सकता है कि बाकी कंपनी अपने नए नए प्रोग्राम लेके हायर करना चालू कर दे। ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा, बट कितने थे QSR ऐसे थे जो अपने MT के प्रोग्राम के लिए स्टिल इस साल भी हायर करने वाले थे। ठीक है मतलब हम लोगों को पता होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इतनी इतनी मुझे न्यूज आ रही थी। और हाँ आप लोग सब छोड़िए, आप लोग स्टेप के फॉर्म्स को देख लीजिए, अगर इतनी इतनी सिचुएशन खराब थी तो ओबेरॉय कंपनी को क्या लगा स्टेप का फॉर्म निकालने की। उन लोगों ने कोशिश करी, उन लोगों ने स्टेप के फॉर्म निकाले, और उन लोगों ने सोचा कि स्टेप के फॉर्म निकालेंगे स्टूडेंट्स आएंगे, इससे उनको तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना, वो लोग तो एक फ्री जो है ऐसा कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उल्टा उन्हें आपको सर्विसेज देनी है। और आप लोग ऑफकोर्स उनके लिए काम करेंगे, बट ऐसे उनमें उसमें उनको भी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हो रहा कि मतलब कि अगर स्टेप वाले ट्रेनिंग आएंगे तो लोगों ने तो कोई फीस भी नहीं लेनी है, बट स्टिल उन लोगों ने स्टेप वाला निकाला। ठीक है तो कुछ ना कुछ सोच के निकाला होगा, उन्होंने भी देखा होगा कि इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है। तो गाइस नेगेटिव नहीं होना है, बी पॉजिटिव, और जितना भी है कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, और नॉर्मल होती है बिल्कुल टाइम के साथ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ये चीज को भी हम नहीं ठुकरा सकते कि अगर बाकी इंडस्ट्रीज डाउन होती है तो ये इंडस्ट्री भी डाउन होगी। ठीक है बट ये चीज सोचे तो हम लोग ये नहीं है ना कि अपना पूरा करियर ही खराब कर दे, हम लोगों को पॉजिटिव रहना है। और मेरा सिर्फ यही फर्ज था, मुझे सिर्फ आपको एक बार अपडेट करना था, एक बार क्लियर करना था आपको कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, किस तरीके से एक प्रेडिक्शन हम लोग फ्यूचर का कर सकते हैं, बाकी देखते हैं कैसा प्रेडिक्शन चलता है। तो वही अगर आप लोगों को अच्छी लगे मेरी वीडियो तो आप लोग कमेंट करना, और कमेंट करके अपने मुझे रिव्यू दो, कुछ नया चाहते हो तो उसके बारे में भी मुझे बताओ, उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। गाइस मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।